हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फ़िएट लीनिया में एंड्रॉयड स्टीरियो लगाने वाले हैं। मेरे गाड़ी जो फ़िएट लीनिया इमोशन वेरिएंट है, इसमें ब्लॉपंक का स्टीरियो आता है कंपनी से, जिसमें ब्लू एंड मी फीचर है। ब्लू एंड मी एक वॉइस असिस्टेंट बेस्ड एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था फ़िएट के लिए। सिस्टम का आउटपुट और क्वालिटी अच्छा है, पर इसमें फ़ीचर्स काफ़ी कम है क्योंकि ये पुराना टेक्नोलॉजी है। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से एंड्रॉयड सिस्टम में अपग्रेड करना चाहता था, पर मुझे मिल नहीं रहा था प्रॉपर क्वालिटी इंडिया में। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ बेसिक टूल्स लगेंगे। पहला चीज़ आपको लगेगा जो है इलेक्ट्रिकल टेप, कनेक्शंस को टेप करने के लिए। लीनिया के डैशबोर्ड खोलने के लिए चाबी पुंटा और लीनिया के लिए सेम है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया है। कुछ केबल टाइज, एक वायर कटर और ऑब्वियसली स्टीरियो जो आपने डैप्स इंडिया से ख़रीदा है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है। अब हम एंड्रॉयड स्टीरियो का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जो मैं पहले कहा था, ये मैं डैप्स इंडिया से ऑनलाइन ख़रीदा हूँ। ये 2 GB रैम और 16 GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ आता है। खोलने पे आपको काफ़ी सारे एक्सेसरीज, वायरिंग एक्सेसरीज दिखाई देंगे। अभी के लिए ये साइड में रख देते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पैक करके मुझे डिलीवर हुआ है। पेमेंट करने के 5-6 दिन के अंदर मुझे मुंबई में डिलीवर हुआ है। डैप्स इंडिया से ऑर्डर करना काफ़ी आसान था और भूपेंद्र जी काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद अपने पैसे से ख़रीदा है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उनके साथ डील करके। अब हम देखते हैं यूनिट्स के डिटेल शॉट्स। आप जो देख सकते हैं ये सब वायरिंग आपको यूनिट के साथ मिलता है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ वायरिंग्स। पहला जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है GPS का एंटेना। इसे यूनिट के पीछे लगाया जाता है डबल साइडेड टेप के मदद से डैशबोर्ड के ऊपर। सेकंड आपको दिख रहा है ये है एक USB जैक जो जिसमें आप पेन ड्राइव या सिम कार्ड लगा सकते हैं बाद में, नहीं तो माइक्रो SD कार्ड भी कोई कोई लोग लगाते हैं। ये है रेडियो एंटेना जैक का कपलर, वो एंटेना जैक का और एक पार्ट। ये हार्नेस है RCA आउट्स के लिए। इसमें हर एक RCA आउट जैसे सबवूफर, स्पीकर के लाइन आउट, माइक के लाइन इनपुट, इसमें सब लाइन आउट्स दिए गए हैं और लाइन इन भी है वीडियो के लिए। नेक्स्ट है और एक USB, इसमें 2 USB आउट है। ये जो अगला वाला है ये है रियर कैमरा, रिवर्स कैमरा का इनपुट, और ये मेन कपलर है जिसमें एक साइड आप कंपनी का हार्नेस लगा सकते हैं, दूसरे साइड गाड़ी में स्टीरियो में लगेगा। और लास्ट पार्ट है ये है कैनवास अडाप्टर, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले आपको कैनवास अडाप्टर लगाना है, फिर गाड़ी में आपको बाकी का वायरिंग करना है। ब्लू वायर है एम्पलीफायर का रिमोट वायर। ये दो पहला जैक ये है स्पीकर के आउटपुट जो एम्पलीफायर में जा सकते हैं। ग्रीन वाला है सबवूफर का आउटपुट। अगला दो जो मेरे हाथ में है ये है ऑक्स इनपुट। ब्लैक वाला है माइक इनपुट, और नेक्स्ट जो येलो दो हैं वो एक है वीडियो इन और वीडियो आउट। ये यूनिट का बैक व्यू है, ये गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के अंदर के साइड रहता है। ये जो कनेक्शन है ये GPS का है और बाकी सब कपलर्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये दो चाबी बताया था जो मैं अमेज़ॉन से मंगवाया है। ये फ़िएट लीनिया और पुंटो के लिए बनाया है। इससे इसके मदद से स्टीरियो को खोला जा सकता है। इसे ये दो होल में अंदर डाल के बाहर के साइड प्रेस करके ज़ोर से खींचना पड़ता है और इससे स्टीरियो पैनल आसानी से बाहर निकल जाता है और कोई डैमेज नहीं होता है डैशबोर्ड को। आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से यूनिट निकल गया है और कोई डैमेज नहीं है आजू बाजू के प्लास्टिक्स को। स्टीरियो को डैशबोर्ड से निकालने के बाद हमें इसके पीछे जो कपलर्स लगे हैं उसे जेंटली खोलना है। पहले मैं रेडियो का कपलर खोलता हूँ,
उसके बाद ये जो जैक्स आपको दिख रहे हैं येलो और ग्रीन वाले, वो खोलता हूँ, और लास्ट में जो मेन हार्नेस का कपलर है वो मैं निकालता हूँ। ये थोड़ा टाइट रहता है, पर आप अगर लॉक को प्रेस करके खींचेंगे तो आसानी से निकल आएगा। इससे इधर आप प्रेशर ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो ये लॉक टूट सकता है। आप देख सकते हैं आसानी से निकल गया है, और ये है पुराना यूनिट जो ब्लॉपंक ने मैन्युफैक्चर किया था। इसे हम साइड में रख देते हैं अभी के लिए। आप देख सकते हैं मेरे वायरिंग में ऑलरेडी कट्स है क्योंकि मैंने एम्पलीफायर लगाया, पर आपके वायरिंग में अगर एम्पलीफायर नहीं है तो कोई कटिंग नहीं रहेगा, और आपको ये लगाने के लिए कोई कटिंग वायर कटिंग करना नहीं पड़ेगा। GPS का एंटेना मैंने ए पिलर के इधर रखा है, माइक इधर आगे डैशबोर्ड के इधर, और इसके दो वायर्स मैं डैशबोर्ड के नीचे से डाल के इधर स्लॉट में निकाला हूँ मैंने। अब हम वायरिंग डिटेल में देखते हैं। ये जो मेन कपलर मैं बताया था, ये मेन बड़ा सॉकेट में लग जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। बाकी ये जो छोटा कपलर है ये कैन बस अडेप्टर में लगेगा। ये कैन बस अडेप्टर हर एक गाड़ी के लिए अलग रहता है, इसे हम बाद में केबल टाई के मदद से लगाएंगे। ये RCA कपलर है जिसमें मैं मेरा एम्पलीफायर के इनपुट्स लगा दूंगा। इसे हम बाद में अच्छी तरह से केबल टाई के मदद से बांध देंगे। और अब हम एम्पलीफायर का टर्न ऑन रिमोट वायर भी लगाते हैं। इसके लिए आपको वायर थोड़ा छीलना पड़ेगा, पर अगर आपके गाड़ी में एम्पलीफायर नहीं है तो ये आपके करना ज़रूरत नहीं है। कोई भी वायर जॉइंट करने के बाद उसे अच्छी तरह से टेप से सिक्योर करें ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ना हो। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हमने हर एक कपलर लगा दिया है। जो मेन हार्नेस है जिसके साथ कैन बस अडेप्टर कनेक्टेड है वो ब्लैक सॉकेट में है, लेफ्ट साइड में लगता है। बाकी हर एक कपलर अपनी जगह पे ही लगता है। पॉसिबल नहीं है क्या एक कपलर दूसरा जगह में लग जाए, तो आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको चाहिए, इसका कनेक्शन डायग्राम भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद इसे हम नीटली केबल टाई के मदद से एक साथ बंच करके टाई करते हैं ताकि क्लीन लुक इंस्टॉल को दिया जा सकता है। वायर्स को हमें यूनिट के पीछे अच्छी तरह से टक इन करना है ताकि मूवमेंट में कोई अड़चन ना हो। उसके बाद हमें यूनिट को अंदर स्लाइड करना है। अब देख पा रहे हैं यूनिट अभी ठीक से इंस्टॉल हो गया है। म्यूज़िक में जाके हम देख सकते हैं जो मैं पेन ड्राइव अटैच किया हूँ उसके सब फाइल्स दिखाई दे रहे हैं। हम कार सेटिंग्स में जाके यूनिट का सेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2GB वाला मॉडल है, इक्वलाइज़र है। नेविगेशन में भी हमें 20 के ऊपर सैटेलाइट्स का रेंज मिल रहा है, तो नेविगेशन भी एक्यूरेट रहेगा। और स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स आप देख सकते हैं चल रहा है, वॉल्यूम अप डाउन, फिर मोड चेंजिंग, हर एक स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स चल रहा है। ऐप्स भी सब है इधर, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक और प्ले स्टोर भी है। अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है आप कर सकते हैं। अभी मैंने मेरे फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है और मैं YouTube से कोई एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करता हूँ। Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the
fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. ये एंड्रॉयड स्टीरियो से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेरे गाड़ी में आगे के दो स्पीकर्स कंपोनेंट्स हैं, एक सबवूफर है और एक फोर चैनल एम्पलीफायर है। साउंड क्वालिटी और साउंड आउटपुट से मैं काफ़ी खुश हूँ और एंटायर शॉपिंग एक्सपीरियंस, पेमेंट से लेकर डिलीवरी तक डैप्स इंडिया से मेरा हर दिन ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेशन रहा है और काफ़ी हेल्पफुल थे। और मैं जिसको भी ख़रीदना है डैप्स इंडिया से, मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगा। फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ख़रीदा था। और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी है शॉम्स गराज। डैप्स इंडिया का भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And thanks again for watching, guys, and do subscribe to my channel if you like the content.